हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एपके गुरु चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला, जब आप जानवर को आप कहीं से खरीद कर लेके आ रहे हैं, यानी राजस्थान से हो गया, हरियाणा से हो गया, या आप और कभी कोई भी स्टेट से, बिहार या कहीं और, यानी 500 हजार किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं, 2000 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं, उसके लिए क्या चीज़ आपको इंतजाम करना पड़ेगा लाने के टाइम में। ये तो नहीं एक बार हम गाड़ी पर लोड किया और उसको डायरेक्ट हम लेकर आ गए, उसके लिए क्या क्या इंतजाम करना है जिससे आपकी बकरी मरे नहीं, बीमारी नहीं हो या फिर स्ट्रेस नहीं हो, ये सब मैटर पर आप बात करें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर मान लीजिए जानवर हम कहीं खरीदने गए हैं किसी जगह पर, सबसे पहले वहाँ पर स्वस्थ जानवर को या बकरी या बकरा को या बच्चा को हम देखेंगे। उसके बाद हम वहाँ से 15 से 20 दिन पहले हम उसको आपको पीपीआर का इंजेक्शन देंगे। उसके बाद क्योंकि उससे ये होगा कि बकरी जो स्ट्रेस होती है, उसके बाद जो आती है, बीमार पड़ती है, मुंह में छाला पड़ते हैं, नाक से पानी, आँख से पानी जो आता है, ये चीज से बकरी बच जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक और बात बता रहा हूँ कि आप वहाँ पर जो भी बकरी देखिए स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद आप जो उस बकरी जो पालक है, जो वहाँ फार्म से लेकर आ रहे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड आप वहाँ से लेकर, कब ये बच्चा पैदा हुआ या फिर इसको कौन कौन सा मेडिसिन दिया गया, कब कब मेडिसिन दिया गया है, वो चीज़ रिकॉर्ड लेकर आइए। उसके बाद हो गया आपको 3 और आपको जो इंजेक्शन मिलता है वो आपको इसलिए मिलता है कि आप जब यानी दूर के लिए, यानी 200-300 से ऊपर दूर आप लेके जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर से दूर अगर आप लेके जा रहे हैं, इसके लिए है कि आपको 3 इंजेक्शन मिलता है, जिसको भी थोड़ा थोड़ा करके, बच्चा अगर 1-1 ml और बड़ा है तो 2-2 ml आपको देना है। वो आप अपने डॉक्टर से वहाँ जिस एरिया से लेकर रहे हैं कि अलग अलग, वो हर जगह का अलग अलग मेडिसिन मिलता है, तो आप वहाँ के डॉक्टर से मिलकर जो पशु के डॉक्टर हैं वो दवा ले लें, या फिर फार्म आदमी को नॉलेज होगा तो उससे आप दवा वो ले लें, और दवा नहीं सॉरी वो इंजेक्शन है, और आप उसको इंजेक्शन देकर, यानी इंजेक्शन तब देना है जब आप लेके, आज मान लीजिए आज चलने वाले हैं तो 8 घंटा पहले आप उस टाइम से, 8 घंटा पहले, 10 घंटा पहले आप इस इंजेक्शन को दे दीजिए। और उस इंजेक्शन से भी फायदा है कि आपको वो आपको नुकसान नहीं करता है, तो आप लेकर आ सकते हैं, वो इंजेक्शन आप दे दीजिए। उससे ये होगा कि आपका जो बकरा है या बकरी है, जिस मौसम में, क्लाइमेट में वो आएगी, वहाँ से उस क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाएगी। उसके बाद ये होगा कि जो भी आपको छोटा मोटा गाड़ी में बीमारी होना, वो भी से रुकेगा। उसके बाद आपको और भी कुछ करना है, जैसे आप मान लीजिए आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से लेके आ रहे हैं, तो आपको ये कोई भी इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले वो फार्म वाला दिया हो तो ये कोई भी इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं, कि उतना से बकरी है वो स्ट्रेस नहीं होती है। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 15 से 20 दिन बाद आपको डिवार्मिंग एक बार कर देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता दें कि जब मान लीजिए आप दूर से 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर लेके आ रहे हैं, तो उससे पहले आपको करना क्या है, जिस ट्रक में आप लोड कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम 6 से 8 इंच मिट्टी डाल देना नीचे, उससे बकरी को बैठने में, बकरा को बैठने या खाना रहने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद उसे खाने का इंतजाम होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए, दवा का इंतजाम होना चाहिए, ये चीज़ उसमें पूरा होना चाहिए। मान लीजिए कहीं हम गाड़ी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलाने के बाद रोके, वहाँ रोक कर हमारे बकरा को, बकरी को नीचे उतार कर उसको अच्छा से हम खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए वहाँ का जो और जो भी आइटम वहाँ पे मिलता है खाने के लिए, जो वो बकरी को फार्म वाले खिलाते हैं, वो वहाँ पे कोशिश कीजिए थोड़ा लेने के लिए, कि घर पे लाकर जो अपने फार्म पे लाकर कम से कम 5 दिन 10 दिन उसको खिला सकते हैं। पानी कोशिश कीजिए कि वहाँ का कुछ पानी हम ले लें वहाँ टैंक में एक वो ला के, क्योंकि कुछ दिन अपने उस पानी को हम दे सकें। उससे क्या होगा, थोड़ा सा करें क्लाइमेट उस बकरी का, बकरा का चेंज होगा, उसके बाद फिर आप अपने फार्म के, अपने क्लाइमेट के हिसाब से उसको पाल सकते हैं। मगर आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उसको चेंज करना है, यानी थोड़ा मान लीजिए अभी कुछ दिन वो दिए, उसके बाद 1-2 दिन करके उसको चेंज करते करते अपना जो फीडर आप देते हैं वो आप खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। इससे बकरी को क्या होगा कि मृत्यु दर में या फिर बीमारी से बकरी आपकी बच जाएगी या बकरा आपका बच जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वो जो दवा जो मैं बताया हूँ 3 मेडिसिन, वो आप अपने डॉक्टर जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उससे आप मिलकर वहाँ पे आप पूछकर आप लेके आ सकते हैं। हमने जो बताया इसके बारे में, अगला वीडियो में बताऊँगा दवा के बारे में पूरा डिटेल।
ओके दोस्तों, यही था जानकारी आपके लिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।